राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम कारगुड़ी की सैर। बच्चों, तमिलनाडु में एक छोटा सा स्थान है कारगुड़ी। ये स्थान नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कारगुड़ी की गजशाला में काम करता है भूरेलाल। भूरेलाल महावत है। छुट्टी लेकर गांव आया है। भूरेलाल के भाई हरिचंद के दो बच्चे हैं। एक का नाम है बिमला और दूसरे बच्चे का नाम है मोहन। बिमला 9 साल की है और मोहन 11 साल का। दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। भूरेलाल की कुछ दिन पहले ही कारगुड़ी में नौकरी लगी है। वो नौकरी लगने के बाद पहली बार गांव लौटा तो मोहन ने पूछा, चाचा जी, जहां आप काम करते हैं वो कारगुड़ी है कहां? बेटा, कारगुड़ी तमिलनाडु में है। वहां हाथियों को पालतू बनाने के लिए गजशाला में लाया जाता है। गजशाला? जैसे हमारी पाठशाला होती है? अरे नहीं बेटा, नहीं। देखो, जैसे जहाँ गायें रहती हैं उसे गौशाला कहते हैं, उसी तरह जहाँ हाथी रहते हैं उसे गजशाला कहते हैं। अच्छा। गज का अर्थ होता है हाथी। पर हाथी को पालतू क्यों बनाते हैं चाचा जी? बेटा, पशुओं को पालतू क्यों बनाते हैं? देखो, गाय, भैंस और घोड़ा ये सब हमारे कामों में मदद करते हैं। करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ करते हैं, पर हाथी क्या मदद करता है चाचा जी? हाथी? हाथी सवारी ढोने के काम आता है। और हाँ, घने जंगलों में जहाँ ट्रक और मोटर गाड़ी नहीं जा सकते, वहाँ मोटे मोटे भारी भारी लकड़ी के लट्ठे ढोकर लाने में हाथी बहुत काम आता है। ये तो बड़े कमाल की बात है। हाँ, अच्छा, इतने बड़े बड़े हाथी आदमियों के कहने से कैसे काम करते हैं चाचा जी? मैंने बताया ना बेटा, गजशाला में हाथियों को सिखाया जाता है। उन्हें हमारी भाषा संकेतों में सिखाई जाती है। अच्छा, अच्छा? हाँ, वैसे घटनाओं, व्यक्तियों और शब्दों को याद रखने की हाथी में असाधारण योग्यता होती है। हाँ, हाथी को लगभग 27 शब्द सिखाने पड़ते हैं। जैसे? जैसे घूमो, बैठो, उठो, पैर उठाओ, सूंड उठाओ, ठोकर लगाओ। अरे वाह, हाथी तो बड़ा आज्ञाकारी है जो झटपट सारे शब्द सीख लेता है। नहीं रे नहीं, ऐसी बात नहीं है, झटपट नहीं। हाथी 3 महीने में 10-12 शब्द ही सीख पाता है। अच्छा? हाँ, हाथी को गन्ने खिलाने का लालच देते हैं और सिखाते जाते हैं। हाथी क्या सिर्फ गन्ना खाता है? अरे नहीं बेटा, हम गजशाला में हाथी को नमक और गुड़ मिलाए हुए
गेहूं और चावल के बड़े-बड़े गोले बनाकर खिलाते हैं। अच्छा? हां, हम ये गोले हथेली पर रखकर हाथी की तरफ बढ़ाते हैं और हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर कुड़प से अपने मुंह में डाल लेता है। हाथी का पेट बस इतने से भर जाता है? अरे नहीं बच्चों, हाथी लगभग 200 किलोग्राम चारा हर रोज खाता है। अरे बाप, इतना सारा? हां, इतना सारा। लेकिन चाचा जी, जंगल में हाथी को पकड़ते कैसे हैं? देखो बेटा, हाथी को पकड़ने के लिए उसके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। अच्छा? हां, और गड्ढे के ऊपर कच्चे बांसों की खपरैल और पत्ते डाल देते हैं ताकि जब हाथी गड्ढे में गिरे तो उसे चोट नहीं लगे। फिर चाचा जी? फिर जब हाथी वहां से गुजरता है तो वो गड्ढे में फंस जाता है। फिर क्या होता है चाचा जी? भाई पहले तो हाथी बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। अच्छा? हां, उसके साथी भी उसे बाहर निकालने का भरसक प्रयत्न करते हैं। फिर जब हाथी समझ जाते हैं कि गड्ढे में फंसा हाथी बाहर नहीं निकल सकेगा तो वो वहां से चले जाते हैं। अच्छा? हां, और तब हाथी पकड़ने वाले हाथी को पकड़कर गौशाला में ले आते हैं और कुछ ही दिनों में वो हाथी हम लोगों का बढ़िया साथी बन जाता है। अच्छा बच्चों, कारगुड़ी और हाथी की इतनी सारी बातें तो हो गईं, अब तुम्हें एक गीत सुनाऊं? अरे वाह, सुनाइए ना चाचा जी। सुनाइए ना। ठीक है, पर तुम दोनों को मेरे साथ में गाना होगा। ठीक है? हां हां, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कारगुड़ी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा तुम्हारा, प्यारा प्यारा चाचा तुम्हारा, हाथियों के संग रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा, कारगुड़ी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा, हमारा। कारगुड़ी की गजशाला में रहते हैं देखो हाथी, रहते हैं देखो हाथी, रहते हैं देखो हाथी, तरह तरह के शब्द सीख कर बन जाते सबके साथी, बन जाते सबके साथी, बन जाते सबके साथी, कारगुड़ी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा। भोले भाले प्यारे हाथी भारी भारी बोझ उठाते, भारी भारी बोझ उठाते, भारी भारी बोझ उठाते, मेहनत करने वाले हाथी मेहनत करके खाना खाते, मेहनत करके खाना खाते, मेहनत करके खाना खाते, कारगुड़ी में रहता है प्यारा प्यारा चाचा हमारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा, प्यारा प्यारा चाचा हमारा। कार गुड़ी की सैर, अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉ. जितेंद्र सिंह, डॉ. अनूप राजपूत तथा डॉ. अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉ. बी. आर. धर्मेंद्र, कलाकार निशा तिवारी, बाबला कोचर, दीपांश कक्कड़, प्रिया, गीत सरना और नेहा, संगीत एवं गायन संतोष कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी,
आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।